मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव के नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आप देखोगे हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। ये भी उसी तरह से है, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन अप्लाई करने का बेसिक रूल वही रहेगा। अब देखेंगे हम कि कैसे करते हैं। इसमें मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना, कोई फंक्शन दिया हमें y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x इंटू कॉस की पावर 4 इंटू 2x। तो ये फंक्शन आपके पास, तो इस टाइप में जब दो फंक्शन एक साथ दिए होते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब d अपॉन dx, किसको कर रहे हैं y को, और डिफरेंशिएट का मतलब डी अपॉन डी एक्स किसको कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 3x कॉस की पावर 4 2x। ये दो फंक्शंस, और हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। उल्टा भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में प्लस ही आ रहा है। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे, यह क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी अप्लाई नहीं किया, जस्ट फॉर्मूला को यूज किया। अब हम इस स्टेप में अप्लाई करते हैं। अब हमने डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस डिफरेंशिएशन को क्या आएगा, पावर डिफरेंशिएशन लगेगी। तो पावर लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 पहले आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, दैट इज कॉस क्यूब 2x। अब पावर डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन को कब तक करना हमने, जब तक वो खत्म ना हो जाए। अब बचा गया आपके पास कॉस 2x, तो इनटू क्या आएगा साथ में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x। इसी तरह से यहाँ पे कॉस की पावर 4 2x, पावर डिफरेंशिएशन लगेगी, 2 पहले आ जाएगा और साइन की पावर में एक कम हो गया तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो ये हो गया 2 sin 3। अब पावर डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास, पावर के बाद क्या बच रहा है, साइन 3x, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x लिखते हैं। अब 4 बाहर लिख देता हूँ, सबसे बाहर 3x कॉस क्यूब 2x। अब कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, तो क्या आ गया, माइनस साइन 2x। अब कॉस की हो गई, बचा क्या आपके पास, साइन 2x। अब साइन 2x की फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो हम कर ही देते हैं यहां पे, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 बाहर और x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया प्लस, कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गई यहां पे, कॉस की पावर 4 2x इंटू 2 साइन 3x। अब साइन की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, कॉस 3x। अब साइन की होगी डिफरेंशिएशन, बचा गया 3x, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x करोगे, 3 एज इट इज और x की डिफरेंशिएशन 1 है। अब जो चीजें हमारे पास कॉमन आती हैं, जैसे आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, हम ले लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 कॉन्स्टेंट टर्म इंटू 2 8 आ रही है, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार ले लिया। साइन स्क्वायर 3x है और यहाँ पे कितना है, साइन 3x है, तो साइन 3x बार आ गया। यहाँ पे क्या है, कॉस क्यूब 2x है और यहाँ पे कितना है, कॉस की पावर 4 2x है, तो कॉस क्यूब 2x बार आ गया और ये कॉमन चीज आ गया आपके पास। अब कॉन्स्टेंट 2 बार लिया तो 4 × 2 = 8 है यहाँ पे, तो 2 बार लिया तो 4 बच गया और वो भी माइनस माइनस 4। साइन स्क्वायर 3x और साइन एक्स 3x बार लिया है, तो साइन 3x यहाँ पे रह गया, कॉस क्यूब 2x कंप्लीट बाहर आ गया और ये साइन 2x आ गया, पहली टर्म से अंदर ए बचा गया। इसी तरह से कॉस की पावर कॉन्स्टेंट लेते हैं, 2 बार आ गए हैं तो ये 3 रह गया, कॉस की पावर 4 2x है, कॉस की पावर 3 बाहर आ गया है तो यहाँ पे एक कॉस बचा, कॉस 2x। साइन 3x है तो साइन 3x बाहर आ गया, कॉस 3x है ये हम
इंद्रिय। तो दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो मतलब प्रोडक्ट रूल यूज किया हमने, डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको फिर सिंपलीफाई भी किया। तो ये नहीं कि हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दिया। तो जो सिंपलीफाई भी करना है आपने, जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेना है, जो इवेल्युएट हो जाता है उसको सॉल्व कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करो। थैंक यू। मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर इंटू टू माइनस एक्स स्क्वायर की पावर फाइव। अब वही फंक्शन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल का, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यूज करेंगे हम। देखो क्या आता है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया है, अप्लाई नहीं किया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसकी, 3x² प्लस 2 की पावर 4 एज इट इज। अब इसकी सबसे पहले हम पावर डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर पहले आ गई और पावर में क्या हो गया, एक कम हो गया, दैट इज पावर 4। अब पावर की डिफरेंशिएशन होगी, बचा क्या आपके पास 2 माइनस एक्स के, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 माइनस एक्स के प्लस 2 माइनस एक्स के की पावर 5 एज इट इज। अब इसको पावर डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 पहले 3x² प्लस 2 की पावर 3। अब पावर डिफरेंशिएशन होगी, बचा क्या आपके पास 3x² प्लस 2। हमने क्या किया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² प्लस 2। अब इसको फर्दर करते हैं, 5 एज इट इज आ गया, 3x² प्लस 2 की पावर 4, 2 माइनस x² की पावर 4। अब देखो 2 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 आ जाएगी, और x² की डिफरेंशिएशन 2x आएगी, और x² की होगी तो x बचा, तो x की डिफरेंशिएशन 1 ही आएगी, तो मतलब खत्म हो गया। प्लस 4 2 माइनस x² की पावर 5 इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ 3 एज इट इज, x² की डिफरेंशिएशन करोगे 2x आ गया, और 3 बाहर निकल आया, पावर की डिफरेंशिएशन कर दी तो x बचा आपके पास, x की डिफरेंशिएशन 1 होगी, तो लिखो ना लिखो एक ही बार, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 0 माइनस 2x माइनस 2x, तो यहाँ पे आ गया माइनस 10x, 3x² प्लस 2 की पावर 4, 2 माइनस x² की पावर 4, प्लस ये कितना आ गया 6x, 24x इंटू 2 माइनस x² की पावर 5 इंटू 3x² प्लस 2 की पावर 3। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए जो कॉमन आएगा वो हम लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म में से लिखते हैं पहले, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 24 है, तो क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 2 कॉमन आएगा, x है तो कॉमन आ गया बाहर, 3x² प्लस 2 की पावर 4 है, 3x² प्लस 2 की पावर 3 है, तो छोटी पावर कॉमन है, 2 माइनस x² की पावर 4 है, 2 माइनस x² की पावर 5 है, तो छोटी पावर कॉमन आ गई। अब यहां से क्या बचा, x बार है 2 माइनस 5 बच गया, x बार है पावर 4 कॉमन है, 3x² प्लस 2 बच गया, और ये पूरी पावर बार कॉमन आ गई, यहां पे 2 कॉमन है तो बचा गया 12, x बाहर आ गया है, ये 5 है यहां पे 4 है, तो एक बच गया 2 माइनस x², और ये कंप्लीटली बाहर आ गया। अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2x
इंटू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू की पावर थ्री इंटू टू माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर फोर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वेयर माइनस टेन प्लस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर। तो क्या आ गया आपके पास, टू एक्स थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू की पावर थ्री इंटू टू माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर फोर। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म 14 और 15 एंड 12 माइनस 27 एक्स स्क्वेयर। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो हमने ये नहीं करना है कि डिफरेंशिएशन कर दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई भी करना है क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन को। एक और प्रॉब्लम लिखी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 4x इनटू ई की पावर 10x। दो फंक्शंस हैं तो डिफरेंशिएट करनी है, जैसे हमने कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx लॉग ऑफ साइन 4x इंटू ई की पावर 10x। अब इसको भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये लिख दिया। अब हमें log of sin 4x as it is रहा, अब डिफरेंशिएशन करनी है हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या आती है, सेम e की पावर 10x आ गई। अब एक्सपोनेंशियल की होगी, बचा गया आपके पास 10x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x e की पावर 10x। और यहां पे लॉग की डिफरेंशिएशन करनी है, तो लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन ओवर फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन फोर एक्स। लॉग की होगी, बचा गया आपके पास साइन फोर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फोर एक्स। तो अब और सॉल्व करते हैं आगे, लॉग ऑफ साइन फोर एक्स इंटू ई की पावर टेन एक्स, टेन की डिफरेंशिएशन क्या आती है, secant square x formula, और फिर tan की होगी, बचा क्या आपके पास x, तो x की differentiation 1 होती है, plus e की power tan x into 1 over sin 4x, sin की differentiation क्या होती है, cos 4x, अब sin की होगी, बचा क्या आपके पास, that is 4x, तो 4x की differentiation क्या आएगी साथ में, into 4। अब दोनों टर्म में जो कॉमन आता है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या दिख रहा है, e की पावर 10x, और बाकी चीज को एज इट इज लिख दो, log ऑफ sin 4x into secant square x प्लस cos ओवर sin क्या होता है, cot 4x। तो इस टाइप में जब दो फंक्शन log और एक्सपोनेंशियल आते हैं, वही प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने और सिंप्लीफाई करके इस तरह से सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इक्वल टू ए की पावर 3x प्लस कॉस 3x ओवर साइन x। इस टाइप में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन के लिए, तो आपने क्या करना है, तो हमने क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा है, u ओवर v क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, u यहाँ पे a है और b यहाँ पे a, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d f ऑन डी एक्स ए की पावर 3x प्लस cos 3x ओवर sin x। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, v क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर प्लस cos 3x माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और पूरे का ओवर डिनोमिनेटर का
स्क्वेयर याद है। अब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे यहां पे a की पावर 3x की डिफरेंशिएशन हमें फॉर्मूला पता है इनटू लॉग ऑफ a, तो a की पावर 3x की डिफरेंशिएशन जो होती है, अब a की पावर की होगी तो a को छोड़ दो, अब क्या बचा आपके पास 3x, 3x की डिफरेंशिएशन साथ में करोगे तो क्या आएगा इनटू 3 प्लस cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन 3x, अब cos की होगी बचा क्या आपके पास 3x, 3x की डिफरेंशिएशन इनटू 3 माइनस a की पावर 3x प्लस cos 3x और sin की डिफरेंशिएशन cos x ओवर sin स्क्वायर x। अब यहां पे आप इन दोनों में 3 कॉमन ले लो तो बाहर क्या आएगा 3 sin x, a की पावर 3x log ऑफ a माइनस sin 3x एंड माइनस cos x इनटू a की पावर 3x प्लस cos 3x ओवर sin स्क्वायर x। तो u ओवर v कोशेंट फॉर्मूला अप्लाई करके अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो आप इस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, रिस्पेक्ट टू x y इक्वल टू दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin 3x ओवर e की पावर 3x प्लस cos x। तो इसको डिफरेंशिएट करना हमने, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin 3x ओवर e की पावर 3x प्लस cos x, स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर मैंने 1/2 लगा दी। अब इसको u ओवर b लगाने से पहले पावर डिफरेंशिएशन लगेगी इसको, तो हम पावर डिफरेंशिएशन सबसे पहले लगाएंगे, पावर डिफरेंशिएशन 1/2 पहले आ गया 3x स्क्वायर log ऑफ sin 3x ओवर e की पावर 3x प्लस cos x, और पावर में कम कर दिया तो -1/2 आ गया, तो पावर डिफरेंशिएशन हो गई। अब पावर हो गई तो बचा गया आपके पास ये वाला फंक्शन, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे साथ में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin 3x ओवर e की पावर 3x प्लस cos x। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएं तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो। अब यहां पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है 3x स्क्वायर log ऑफ sin 3x माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या है 1/2 e की पावर 3x प्लस cos x ओवर 3x के प्लस log ऑफ sin 3x और स्क्वायर रूट लगा दिया 1/2 की पावर। अब यहां पे e की पावर 3x प्लस cos x एज इट इज, अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती 2x, फिर log ऑफ sin की करेंगे तो क्या आएगी 1/sin 3x, अब log की होगी डिफरेंशिएशन, अब बचा क्या sin 3x, अब sin 3x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos 3x, अब sin की भी होगी बचा क्या आपके पास 3x, 3x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर
प्लस लॉग ऑफ साइन 3x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेम, और एक्सपोनेंशियल की होगी बचा गया 3x, 3x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी इनटू 3, और प्लस cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगले स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ये जो चीज है इक्वल टू 1/2 e की पावर 3x प्लस cos x ओवर 3x के प्लस log ऑफ sin 3x और इसका स्क्वायर। यहां पे क्या आ गया? e की पावर 3x प्लस cos x, और यहां पे क्या आ गया? 3 × 2 6x cos ओवर sin cot प्लस 3 cot 3x, फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस log ऑफ sin 3x, और यहां पे क्या आ गया? इनटू 3 e की पावर 3x माइनस sin x ओवर जो है e की पावर 3x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कंप्लीट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन रूल नहीं होता है, पहले हमें देखना पड़ता है कि पावर डिफरेंशिएशन लगेगी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, वो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस करोगे। तो आज हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जितनी आप इन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी परफेक्शन होती जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।